कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल स्टेडियम पर पहला हक खिलाड़ियों का है। खिलाड़ी बिना किसी शुल्क के स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। सरकार का प्रयास खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए केवल बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्टेडियम में रोकने का है, ताकि खिलाड़ियों की दिनचर्या प्रभावित न हो। ये स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों के लिए होते हैं, खिलाड़ी उसमें खेलते हैं और स्टेडियम बनाए भी खिलाड़ी के लिए जाते हैं। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिस से, जो हमारे कोचिस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते, उनसे समय लेकर, क्योंकि खिलाड़ियों का, ज्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। उनके लिए निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्मी की तैयारी, अपनी पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे कोच से समय लेकर अपना ट्रेनिंग कर सकता है, उनको भी निःशुल्क है। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि केवल वो संस्थाएं जो कि खेल संबंधित आयोजन करती हैं, उन्हें खेल विभाग द्वारा तय किए गए नियम की पालना करनी होगी। इसके अलावा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तहत आने वाली खेल एसोसिएशन या फेडरेशन को भी खेलों संबंधी आयोजन के लिए निःशुल्क स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेडियम है, उनको निःशुल्क है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपनी प्राइवेटली स्टेडियम को किसी शूट के दौरान या किसी दौरान वो अपने नॉर्म्स पूरे करे, हम उसको भी एंटरटेन करेंगे। हमेशा खिलाड़ियों के लिए पहल थी, पहल है और पहल रहेगी, और हरियाणा खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे बढ़कर, उनको सरकार और हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करेगा। यही मेरा एक संदेश भी लगा लीजिए, एक मेरी रिक्वेस्ट लगा लीजिए कि खिलाड़ी जो है वो मान सम्मान देश का होता है। एक ऐसा एक खिलाड़ी होता है जो दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया का झंडा लहराता है, या तो फिर वो फौज से होता है या फिर वो खिलाड़ी होता है। हम दोनों को सलूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल निजी संस्थान द्वारा खेल स्टेडियम का प्रयोग करने के लिए जमा शुल्क को स्टेडियम के रखरखाव और खिलाड़ियों के विकास पर ही खर्च किया जाएगा, जबकि नियम रूप से प्रैक्टिस रखने वाले खिलाड़ी निशुल्क रूप से स्टेडियम का प्रयोग कर सके। कुरुक्षेत्र से टोटल न्यूज के लिए राजीव अरोरा की रिपोर्ट।